हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म का इंतजार कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। फॉर्म का नोटिफिकेशन दोस्तों यहां पर रिलीज़ किया गया है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस बार बीएड प्रवेश यानी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते और उनका पूरा साल बर्बाद होने जा रहा है। कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो इस बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं और अगर भरना चाहते हैं तो क्या इसका लिए रास्ता है, पूरी वीडियो को देखेंगे तो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको बिहार बीएड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपडेट मिलता रहे। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको प्रवेश परीक्षा के लिए एक हेल्पफुल चीज़ देने वाला हूं। आप सभी लोग बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो, गवर्नमेंट सीट चाहते हो, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यूपी से ज़्यादा कंपटीशन बिहार में है, क्योंकि यूपी में सीटों की संख्या ज़्यादा है बीएड की, लेकिन बिहार में सीटों की संख्या कम है, कॉलेजेस कम है बीएड को लेकर, मात्र 37,000 सीटें हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल का है और लगातार बिहार में पिछले वर्ष से वैकेंसीज भी आ रही हैं टीचर की, तो अब ज़्यादा क्रेज बन गया है बीएड को, तो इस बार ज्यादा संख्या में आवेदन आने वाले हैं। तो बिल्कुल हल्के में मत लेना, आप ये मत सोचना कि केवल किताब से हमारी तैयारी हो जाएगी या हमें सरकारी सीट मिल जाएगा। अगर आपको सरकारी सीट चाहिए तो आपको 100-200 रुपए के लिए बिल्कुल नहीं सोचना और इंपॉर्टेंट नोट्स को फॉलो करना है। ये नोट्स आपका समय और पैसा दोनों बचाएगा। इस नोट्स को परचेज करने के बाद में आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपने किताब ले लिया है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी के साथ कहता हूं। इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्री बेसिस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वो भी 10 साल का लगभग। सारे सब्जेक्ट के जो आपका क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ होगा। कीमत मात्र 175 रुपीस है। लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें बिहार बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा और सिर्फ बिहार बीएड का ही नहीं, हमारे पास सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल हैं। आप यूपी का बीएड एंट्रेंस का ले सकते हो, छत्तीसगढ़ का ले सकते हो, झारखंड का ले सकते हो, बस आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 175 रुपीस में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो और उससे तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और आपको अच्छे अंक और सरकारी सीट मिल जाएगी। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं खबर पर दोस्तों। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं ये ऑफिशियल यहां पर ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीईटी बीएड 2024 के लिए और कंप्लीट यहां पर जो चीज़ें बताई गई है वो दिया गया है और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 8 मार्च को यहां पर ये टेंडर नोटिस तैयार किया गया है और ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से ये टेंडर नोटिस जारी किया गया है। ये टेंडर नोटिस एजेंसी को जारी किया गया है कि आप लोग फॉर्म भरें और टेंडर इसलिए जारी किया गया है ताकि जो परीक्षा के लिए पेपर वगैरह तैयार किया जाएगा, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा, ओएमआर सीट जो जांची जाएगी, उसका उस एजेंसी का चयन करने के लिए यहां पर एक टेंडर नोटिस निकाला गया है और पूरा इंस्ट्रक्शन भी यहां पर दिया गया है। और ये जो है आवेदन प्रक्रिया जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी उसके लेकर आगे काम कर रहा है और जो आपका आवेदन प्रक्रिया है इस टेंडर फाइनल होने के बाद, मैंने आपको बताया था कि मार्च में ही आवेदन, जब 1 मार्च को ही राजभवन से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया, तो पूरा मार्च क्यों गैप कर दिया गया, क्यों अप्रैल में इसका आवेदन शुरू करने की बात कही गई, तो रीज़न यही है कि जो एजेंसी है उसका बदलाव किया जा रहा है, नई एजेंसी का चयन किया जा रहा है और टेंडर जारी किया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं टेंडर इशू का जो डेट है डॉक्यूमेंट का वो 8 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है और 2 अप्रैल 2024 को टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा, टेंडर दे दिया जाएगा नई एजेंसी को और उसके तुरंत बाद 9 अप्रैल से एजेंसी जो है वो वेबसाइट को तैयार करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा और एप्लीकेशन फॉर्म लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 अप्रैल से आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सीईटी बीएड 2024 की तैयारी में लगा हुआ है, टेंडर नोटिस जारी कर दिया उन्होंने, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना है, तैयारी करते रहिए, फॉर्म तो आपका 9 अप्रैल से शुरू ही हो जाएगा। तो एक बात हो गई आपका फॉर्म को लेकर अपडेट को। दूसरी खबर यहां पर जो है, दूसरी खबर थोड़ा सा यहां पर सैड है क्योंकि भैया इस बार
जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर यानी पार्ट थ्री में है, यानी थर्ड ईयर में है, वो आवेदन नहीं कर सकते बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में, क्योंकि भैया बिहार बीएड का जो फॉर्म आता है उसमें इन्होंने पिछले कई वर्षों से अपेयरिंग कैंडिडेट को बाहर कर रखा है, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो रखा है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वही केवल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। जैसे यूपी का एग्जाम्पल ले लें तो यूपी में अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाता है, अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो अपेयरिंग सेलेक्ट करके आप फॉर्म भर सकते हो और उनको मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही एडमिशन दे देता हो यूपी या कोई अन्य राज्य, उनको मौका दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जो अपेयरिंग में है, लास्ट ईयर में है, और उनसे यह कहा जाता है कि काउंसलिंग से पहले पहले यानी कॉलेज अलॉट होने से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाना चाहिए। तो कम से कम इतना तो रियायत बरतते हैं अदर स्टेट वाले, लेकिन बिहार में पिछले कई वर्षों से अपेयरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरने ही नहीं दिया जा रहा है, और इस बार भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपेयरिंग हैं, अगर आपका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताना, और अगर इस बार आप मौका चाहते हो तो पहले से ही इसको लेकर थोड़ा आवाज उठाइए ताकि बात पहुंचे विश्वविद्यालय तक, और इस बार नोटिफिकेशन में बदलाव किया जाए और अपेयरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए। कितने छात्र अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिलाना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप चाहते हैं कि अपेयरिंग को फॉर्म भरने दिया जाए ना भरने दिया जाए, क्योंकि अगर अपेयरिंग कैंडिडेट को फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा तो लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और आप खुद ही सोचो अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेंगे जो लोग, वो एक महीने बाद पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा उनका, एक महीने बाद उनका रिजल्ट भी आ जाएगा लेकिन उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, और अगर फॉर्म भरने दे दिया गया तो वो एक महीने के अंदर उनका रिजल्ट भी आ जाएगा काउंसलिंग से पहले, और उनका साल भी बर्बाद नहीं होगा, वो ग्रेजुएशन के बाद बीएड में एडमिशन ले लेंगे। तो आपको भी या जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जो भी डाउट से मैसेज करके बात कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप भी चाहते हैं कि अपेयरिंग को मौका दिया जाए इस बार बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए या नहीं, और आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है या आप भी अपेयरिंग में हैं, ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अभी तक भैया यही नियम है बिहार में, अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जा रहा है पिछले कई वर्षों से, और अगर आप लोगों ने इसको लेकर आवाज़ नहीं उठाया तो इस बार भी अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा, और अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, या तो आप अदर स्टेट का फॉर्म भर सकते हो, यूपी बीएड का भर सकते हो फॉर्म, ठीक है, उसका भी अप्रैल तक फॉर्म चलेगा तो उधर जा सकते हो, लेकिन अगर आप बिहार में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इसको लेकर आवाज़ उठानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई चेंजेस होता है, कोई अपडेट होता है, मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि मैं सारे नोटिस वगैरह स्टोरी पे लगाता रहता हूं, और आपको जो भी डाउट है, जो भी बात करना है मुझसे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं जैसे ही फ्री होंगे आप सभी को रिप्लाई करूंगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी डाउट्स है आप मैसेज कर दीजिएगा, और नोट्स जो भी परचेज करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर देना भैया, और नोट्स को ले लेना। दूसरी चीज़, अगर आप अपेयरिंग में हैं, लास्ट ईयर में हैं, और आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि इस बार हम लोगों ने पूरा ये सोच रखा है कि इस बार जो है नोटिफिकेशन में बदलाव किया जाएगा और आप लोगों को अपेयरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिलाया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग अपना कीमती समय ये बर्बाद ना कर देना सोच के कि मुझे तो मौका ही नहीं मिलेगा, में फायदा क्या पढ़ के, क्या पता नोटिफिकेशन में बदलाव करा दिया जाए और आपको मौका दे दिया जाए, तो आपका क्यों 15-20 दिन आप बर्बाद करेंगे अपना। पढ़ते रहिए, नोट्स को परचेज कर लीजिए, नोट्स की कीमत भी बहुत कम है, मात्र 175 रुपीज, इस नंबर में मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको बिहार बीएड को लेकर सारी अपडेट देते रहेंगे, और चैनल पर तैयारी भी कराते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।